Assalamualaikum friends, my name is Mohammed Awais and today I am back with a new video. आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ WhatsApp के बहुत से अमेजिंग फीचर्स जो कि WhatsApp कुछ जो फीचर्स हैं वो रिलीज़ करने वाला है और कुछ फीचर्स रिलीज़ हो चुके हैं. इन सब के लिए मैं एक ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. अगर आप एक दफ़ा अपना ऐप चेक करना चाहते हैं WhatsApp के यार मेरा WhatsApp अपडेटेड है या नहीं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ये चेकआउट कर सकते हैं. और अगर कुछ फीचर्स आपको अभी नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आए हुए, वो आए हुए हैं और मैं पर्सनली इस्तेमाल भी कर चुका हूँ. लेकिन अजीब सी बात है कि जो एंड्रॉयड 12 13 पर लोग हैं वो उन फीचर्स को अवेल नहीं कर पा रहे और मैं इस वक्त एंड्रॉयड 7 का मोबाइल एक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उनको अवेल कर पा रहा हूँ, मैं उनको यूज़ कर पा रहा हूँ. तो इसके अंदर पता नहीं अब ये क्या मसला है ये क्या नहीं है इसके बारे में मुझे नहीं पता. लेकिन आप पहले अपनी ऐप अपडेट कर लीजिएगा, मैं लिंक फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो अपने फर्स्ट फीचर की बात कर लूँ तो शायद आप लोगों को ये काफ़ी अरसे से ये फीचर मिल चुका है, लेकिन कई से ज़्यादा लोग जो है ना बहुत सारे लोगों को ये फीचर अभी भी नहीं पता होगा कि WhatsApp जो है अब उसके अंदर आपको वॉइस स्टेटस की भी ऑप्शन दे रहा है. ये दोनों के अंदर WhatsApp बिजनेस और WhatsApp दोनों के अंदर आपको मिल रहा है वॉइस स्टेटस. इसके अंदर सेम जिस तरह हम वॉइस मैसेज भेजते थे या हम एक इमेज लगाते थे, कोई वीडियो लगाते थे, कोई हम टेक्स्ट वहाँ पर अपने स्टेटस पर लगा देते थे, तो अब हम वहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके लगा सकेंगे. और उसका हमें क्या तरीका है, वो सिर्फ सिंपली हमने वहाँ पर वॉइस के आइकन पर क्लिक करना है. वहाँ पे आपको जो हम माइक का आइकन होगा वो वहाँ पे स्टेटस पे आपको मिल जाएगा, आपने उस पर सिंपली क्लिक करना है और उस पर आपने अपनी जो भी बात करनी है वो 30 सेकंड्स आप रिकॉर्ड करके स्टेटस पे डाल सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा एक कूल फीचर है. सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लो तो ये है जी स्टेटस प्रोफाइल रिंग. अब ये क्या चीज़ है, आपको काफ़ी अर्से से ना एक रिंग शो हो रहा होगा आपके जो लोग जिनसे आप बात करते हैं ना उनके आइकन्स जो होता है ना प्रोफाइल आइकन जो होता है उस पर एक रिंग शो होता है. मैं यहाँ पे ना पिक्चर्स जो है ना वो आपको शो करवा दूंगा ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ. थोड़ा सा ना इसलिए मुश्किल होगा ये चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी. तो ये आप जो रिंग और प्रोफाइल देख रहे हैं ना, प्रोफाइल के इर्द गिर्द रिंग आ रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली स्टेटस पर ले जाएगा. और बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं एक नोटिफिकेशन टाइप आपको एक चीज़ दिखा रहा होता है कि यार यहाँ पे किसी बंदे ने प्रोफाइल पे अपनी इस बंदे ने स्टेटस लगाया हुआ है. और उस स्टेटस को देखने के लिए सिंपली अब आपको सिर्फ सिर्फ उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उसकी प्रोफाइल पर नहीं जाएंगे बल्कि आप उसकी स्टेटस पर चले जाएंगे. सो ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर है. तो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लो तो यार ये तबाही फीचर है, ये कमाल का फीचर है, इससे अच्छा फीचर नहीं हो सकता भाई कोई WhatsApp का. और ये आप सब सुन के बहुत खुश होंगे. सो WhatsApp ने काफ़ी अर्से के बाद बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट के बाद जाके एक ऐसी आपको कह सकते हैं एक फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि इनको बहुत अर्सा पहले करवा देना चाहिए था, लेकिन अब करवा दिया है. तो उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, ये है जी कंपेनियन मोड. अब ये कंपेनियन मोड है क्या, देखो अगर आपके मोबाइल पे जो आपका एक मोबाइल है उस पर आपका WhatsApp यूज़ कर रहे हो आप, अगर आप चाहते हो कि आप उसको अपने लैपटॉप पे करना चाहो तो आप सिंपली वहाँ पे अपने लैपटॉप पे जाके WhatsApp वेब करोगे या WhatsApp की जो ऐप है वो खोलोगे और वहाँ पे जाके उसको स्कैन करोगे. सेम प्रोसीजर विद अब मोबाइल भी हुआ करेगा. अब आप एक WhatsApp जो आपके सिंगल मोबाइल पर चल रहा है वो अब आप 4 और मोबाइल पर चला सकोगे, यानी कि 4 डिफरेंट मोबाइल्स पर आप अभी WhatsApp लॉगिन कर सकते हो अपना, और वो सेम WhatsApp 4 डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे होंगे. यानी कि आपका जो WhatsApp होगा वो 4 डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे होंगे. लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपने WhatsApp अपना मेरे ख्याल में 7 या 8 डेज़ के अंदर ना खोला और लॉगिन रहे तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप बाकी 4 जो हैं डिवाइसेस वहाँ से लॉकआउट हो जाओगे. लेकिन आप जो अपनी आपकी अपनी डिवाइस होगी यानी कि जो जिसको हम कहते हैं एडमिन डिवाइस, ठीक है, वो जो है वो लॉगिन ही रहेगी. लेकिन क्योंकि वो एक्टिव नहीं थी इंटरनेट पे इस वजह से वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से 4 जो डिफरेंट डिवाइसेज होंगी वहाँ पे भी डीएक्टिवेटेड कर दी जाएंगी. सो ये बहुत ही अच्छी और अमेजिंग अपडेट थी. अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या फीचर्स हैं जी WhatsApp की तरफ से. सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लूँ तो ये भी बड़ा ही अमेजिंग फीचर है, लेकिन ये किन लोगों के लिए है जिनको ना अपनी चैट को लॉक करके रखना पड़ता है, समझ रहे हो ना. सो उनके लिए खुशखबरी है भाई, अब आपको कोई दूसरी ऐप नहीं यूज़ करनी पड़ेगी. WhatsApp ने आपके लिए फीचर एक दे दिया है जिसके थ्रू अब आप पूरा WhatsApp लॉक करने के बजाय सिर्फ चैट्स को लॉक कर पाओगे. सिंपली जिस
री चैट को आपने लॉक करना है। सिंपली आपको वो चैट ओपन करनी पड़ेगी, जिस तरह आप ओपन करते हो चैट करने के लिए आपने वो ओपन करना है। आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको चैट लॉक की ऑप्शन अवेलेबल होगी। लेकिन इसके अंदर आपके मोबाइल पे या तो फेस लॉक होना चाहिए या आपके पास फिंगरप्रिंट होना चाहिए, ये इन दोनों के लिए वर्क करेगा। ये पैटर्न या आपके जो पिन है उसके लिए वर्क नहीं करेगा, ये उसके साथ वर्क नहीं करेगा आप कह सकते हो। सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लूँ तो ये भी बड़ा अमेजिंग फीचर है, मैसेज एडिट का फीचर इस बार इंट्रोड्यूस करवा दिया है आखिर व्हाट्सएप ने, क्योंकि ये हमें iOS डिवाइसेस के अंदर जो इनकी आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमें मिलता था ये मैसेज एडिट का ऑप्शन, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो व्हाट्सएप के अंदर ये मैसेज एडिट किस तरह काम करेगा ये अभी 100% तो श्योर नहीं मैं कह सकता कि अभी ऑप्शन आपको अवेलेबल है या नहीं, लेकिन सेम जिस तरह हम iOS पे मैसेज को क्लिक करके रखते थे और उस पर वहाँ पे हमें डिलीट या ऑप्शन मिल जाता था एडिट का, यहाँ पर भी हमें व्हाट्सएप के अंदर अब एडिट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन विद इन 20 मिनट्स। ये रिस्ट्रिक्शन है अभी के लिए, पता नहीं अभी रिस्ट्रिक्शन कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, ये अब व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमें हमारी पहले डिलीट लिमिट होती थी शायद विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स, लेकिन अब ये 2 डेज तक इन्होंने कर दी थी। सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ बात करते हैं। सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लूँ तो यार ये उन लोगों के लिए है भाई स्पेशली जिनको फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करने का शौक है और वो भी दूसरों को सेंड करने के लिए, ठीक है। सो ऐसे लोगों के लिए व्हाट्सएप ने HD क्वालिटी का फीचर अब दे दिया है। आप पर इमेज जो है यानी कि एक इमेज को भी HD क्वालिटी के अंदर सेंड करना चाहो तब भी कर सकते हो, आप 100 सेंड करना चाहो तब भी कर सकते हो। हाँ, ये जो 100 वाली बात की है ना, ये कमिंग सून है। अभी आप 100 पिक्चर्स तो नहीं सेंड कर सकते, बट आप तकरीबन 30-40 इमेजेस एक टाइम पे, जिसको कहते हैं ना पर टाइम, आप सेंड कर सकते हो यानी कि, और ये 40 इमेजेस अगर आप सेंड करो तो आप 40 इमेजेस को HD क्वालिटी के अंदर भी सेंड कर सकते हो और आप लो क्वालिटी के अंदर भी सेंड कर सकते हो। लो क्वालिटी से मुराद लो क्वालिटी नहीं होगा लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी होगा, जिसके अंदर हम जब हम जूम करते हैं तो हम कहते हैं यार ये पिक्सल फट रहे हैं, तो वो इसी वजह से पिक्सल क्रैश हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पिक्सल फट रहे हैं, ठीक है। सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लो तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा आजकल जो है ट्रेंडिंग के अंदर आ रहा है, इसको हम कहते हैं जी व्हाट्सएप की तरफ से आने वाला शॉर्ट वीडियो फीचर। जैसे हमें शॉर्ट हमने अक्सर देखते हैं रील्स के अंदर और ऐसी चीज़ें, हम शॉर्ट्स उनको कहते हैं, इसी तरह व्हाट्सएप ने अपने शॉर्ट्स जो हैं वो आपको व्हाट्सएप शॉर्ट वीडियो के तौर पे एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। ये आप किस तरह अवेल कर सकते हो या किस तरह यूज़ कर सकते हो, सिंपली अपने माइक जिससे माइक्रोफोन का जो आइकन होता था जिसे आप वॉइस चैट भेजते थे, आपने इसी तरह वहाँ से वीडियो चैट आप भेज सकते हो। वीडियो चैट तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन वीडियो आप मैसेज भेज सकते हो अपना 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके। आप एक अच्छी से बबल के अंदर, वो बबल शेप के अंदर जाता है वॉइस आपका जो वीडियो मैसेज है अगले को, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 30 सेकंड्स के अभी इसके अंदर लिमिट है और इसके अंदर क्वालिटी जो होगी आपकी वो थोड़ी बहुत जो होगी वीडियो की वो गिर जाएगी हल्की फुल्की, हाँ एंड्रॉयड यूज़र्स की, नॉट आईफोन की, क्योंकि आईफोन जब यूज़ करते हैं तो उसके के अंदर हमें जो भी फिल्टर्स या कोई भी चीज़ उसके साथ जब ऐप वर्क करती है तो वो ओरिजिनल उसका कैमरा यूज़ करती है, ना कि अपनी तरफ से फिल्टराइजेशन करती है। हाँ हाँ क्या, सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। सो अपने नेक्स्ट फीचर की बात कर लूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है व्हाट्सएप के सेटिंग के अंदर एक साइलेंट कॉल्स के नाम से फीचर। ये बड़ा कमाल फीचर है। अब इससे होगा ये कि आपके जो ऐसे लोग जिनका आपके पास नंबर सेव नहीं है या आपको अननोन कॉल आती हैं, सिंपली अगर आपको अननोन कॉल आई है व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके अननोन कॉल को साइलेंट कर देगा, सिर्फ साइलेंट करेगा। आपको कॉल आती रहेगी लेकिन साइलेंट होगी, अगर आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो, नोटिफिकेशन भी वैसे ही आएगा, सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन वो कॉल साइलेंट हो जाएगी, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो अपने वाइंड अप करता हूँ सब तमाम फीचर्स को एक बात से कि जी व्हाट्सएप ने अपना जो UI है उसको भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे हमें UI के अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग ये मिली है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जिस तरह बाकी ऐप्स के अंदर हम नीचे देखते थे आइकन्स, मिसाल के तौर पर स्टेटस का, प्रोफाइल का, आपके यार कॉल्स का, और इसी तरह दो और आइकन्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स के आइकन आप कह सकते हैं, वो अब हमें सारे नीचे मिलेंगे, बजाय ऊपर हमें जो टैब्स अलग अलग मिलते थे वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सारी ऐप्स अब नीचे शिफ्ट कर गए। जैसे यूट्यूब ने नीचे शिफ्ट कर लिया था अपना शॉर्ट्स, होम, इसी तरह लाइब्रेरी, वो सब कुछ नीचे आता है यूट्यूब का, सेम अब व्हाट्सएप का भी नीचे आया करेगा। हाँ, अगर किसी का नहीं आ रहा तो अगेन
टेंशन की बात नहीं है, मैं एंड्रॉयड 7 पर हूँ और मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो एंड्रॉयड 13 पर भी हैं लेकिन उनके पास भी ये बी फीचर नहीं आया। उसकी रीज़न मुझे नहीं पता, बट आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एक दफ़ा अपने ऐप जो है वो अपडेट कर लीजिएगा लाजमी, उसके बाद आपको होप्स हो ये ऑल फीचर्स अवेलेबल होंगे। सो लास्ट के अंदर बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये थी कि यार सपोर्ट करो मुझे, नहीं यार मुझे भी कर दो थोड़ा बहुत, लेकिन सपोर्ट करो अपनी टीम को क्योंकि कल का मैच जो है हमारा वो शायद दोनों को पॉइंट्स मिल गए बस टीम्स को, लेकिन हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की। सो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।